हेलो गाइस, मैं प्रियल, आपका प्रियल मैम रीजनिंग बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो 2-3 दिन से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी 1 मिनट 1 कंसेप्ट की, तो आज वापस से मैं लेके आई हूँ। वही आपके पास 2 सवाल होंगे, दोनों सवालों में कुछ नया सिखाऊंगी आज मैं आपको वापस से, ठीक है। तो ये क्लास इसके लिए, किससे के लिए, आपके लिए कम से कम टाइम है, मतलब केवल 2 मिनट का समय लगता है और 2 मिनट में आप कोई 2 नए क्वेश्चन सीखते हैं, 2 न्यू क्वेश्चन सीखते हैं। तो और से अच्छा क्या लीजिएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप सभी शेयर कीजिएगा, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक बार सभी लोग लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। सब्सक्राइब करना जरूरी है, इससे कि आपको रेगुलरली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको पता चले कि क्लास में क्या चल रहा है क्या नहीं। शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, एक व्यक्ति 6000, देखना, एक व्यक्ति 6000 की धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जमा करता है। मतलब 6000 की राशि है, 5% है और साधारण ब्याज है। तो 6000 की राशि है, 5% है और कितना है साधारण ब्याज है, ठीक है। दूसरा व्यक्ति 5000 की राशि को 8 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पे जमा करता है, 2 वर्ष के बाद ब्याज का अंतर, इसकी ब्याज अलग निकालो, इसकी ब्याज अलग निकालो। 2 साल की ब्याज कितनी होगी, 6 × 5 = 30, 3 × 6 = 600 रूपये। 600 रूपये तो ब्याज होगी SI की, कितनी होगी SI की ब्याज होगी 600 रूपये। अब बात करते हैं, ये तो हो गया SI, अब बात करते हैं CI के लिए। CI के लिए मैं निकालना सिखाया था आपको, 8% है 5000 रुपीज पे, 5000 2 साल के लिए 8% 8% 8 × 5 = 40, 400 रुपये, 8 × 5 = 40, 400 रुपये। इसका वापस से 8% निकाल लीजिए, 8 × 4 = 32, 32 रुपीज। तो कितना हो गया, 4 × 4 = 8, 832 रुपये, ये 600 रुपये, ये डिफरेंस कितना हुआ, 232 रुपीज का। कितना हो गया दोनों का डिफरेंस, कितना हो गया 232 रुपीज का डिफरेंस है। इसकी ब्याज ये आई, इसकी ब्याज ये आई, दोनों का डिफरेंस 232 रुपीज का हो गया। तो ये देखिएगा, जब भी आपको इस टाइप का सवाल आए कि साधारण ब्याज अलग निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज अलग निकालना है, दोनों को अलग अलग सॉल्व कीजिए, इस चक्र SI को अलग, CI को अलग, और जो भी निकाला हम निकाल सकते हैं। अगर आप पूछता ना कि सेकंड ईयर में ब्याज में डिफरेंस कितना है तो भी निकाल सकते हैं। ये आपका सेकंड ईयर का ब्याज है, ये आपका पहले साल का ब्याज है, और इसमें दोनों साल का ब्याज आपका 300-300 रुपये होता है, ये आपको पता होना चाहिए। SI का जो ब्याज है हर साल सेम रहता है, 600 रुपये, ये है अगले साल भी, अगर 2 महीने का 600 रुपये है तो 1 महीने कितना हुआ 300 रुपये, ये बात पता होना चाहिए। SI की ब्याज सेम रहती है, सेम रहती है हर साल, ये बात आप लोग दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये रहा। यो मदर, तुम्हारी माताजी तुम्हारे पिता से 4 साल छोटी है, मतलब मम्मी जो है पापा से 4 साल छोटी है, और तुम्हारे पिताजी की आय तुमसे 6 गुना है। पिताजी कितने बड़े हैं मेरे से, 6 गुना बड़े हैं मेरे से, योर लिख देती हूँ मेरे से, ठीक है। यदि तुम्हारी वर्ष 6 साल है, अगर जो मैं हूँ वो 6 साल की हूँ, तो पिताजी कितने साल के हुए, 6 × 6 36 के साल के पापा हो गए, मम्मी कितने साल की हुई, 36 − 4 = 32, क्लियर, 32 आपका आंसर हो गया। आई बात समझ में, तो इन सवालों में केवल ये क्वेश्चन बनना इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपसे एक क्वेश्चन बन गई तो आप कोई भी सवाल को नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और अपने बाकी फ्रेंड्स को बताइएगा कि रेगुलरली ये क्लास आपकी सुबह 9 बजे होती है। कभी कभी लेट हो जाता है पर नॉर्मली आपकी सुबह 9 बजे ही ये क्लास होती है। रेगुलर आइए, रेगुलर विजिट कीजिए, कुछ नया सीख के ही जाओगे, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं शाम के टाइम, बाय बाय।